स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे नक्सल ऑपरेशन पर। आज रायपुर में बड़ी बैठक बुलाई गई है, यूनिफाइड कमांड की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हो रही बैठक, जहां नक्सल मोर्चे और विकास को लेकर हो रही चर्चा। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी शामिल। गृह मंत्रालय के अधिकारी भी बैठक में शामिल। दो सेशन में होगी यूनिफाइड कमांड की बैठक, जहां पहले सेशन में नक्सल ऑपरेशन पर चर्चा होगी, दूसरे सेशन में नक्सल क्षेत्र में विकास पर बातचीत होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां नक्सल ऑपरेशन पर रायपुर में बड़ी बैठक बुलाई गई है। यूनिफाइड कमांड की ये प्रमुख बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और नक्सल मोर्चे को लेकर, साथ ही विकास को लेकर बातचीत। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। दो सेशन में यूनिफाइड कमांड की बैठक होगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता आकाश जुड़ गए। आकाश, दो सेशन में यूनिफाइड कमांड की बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पूरी बैठक हो रही है, किस क्या कुछ चर्चा के आसार, क्योंकि नक्सल मोर्चे को लेकर, साथ ही विकास को लेकर बातचीत हो रही है। आकाश जी, बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक ले रहे हैं और गृह मंत्री विजय शर्मा इसमें मौजूद है, तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद है, बीएसएफ, सीआरपीएफ के अधिकारी मौजूद है और मुद्दा सिर्फ एक है, नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार किस तरीके से बेहतर कर सकता है, क्योंकि जब से विष्णुदेव सरकार आई है इसका मुख्य एक एजेंडा है, फोकस है कि नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से समाप्त करना है। कारण यही है कि लगातार बस्तर में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और कई नक्सली ढेर हुए हैं, कई नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण किए हैं, लगातार ऑपरेशन जारी है। अब मुख्य मुद्दा ये है कि बस्तर तक मूल विकास कैसे पहुंचाया जाए, स्वास्थ्य शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, सड़कों को कैसे दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर तमाम बैठकें चल रही है और नक्सल मोर्चे पर जो तमाम ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी समीक्षा सीएम कर रहे हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं बस्तर में, किस तरीके से हालात को और बेहतर किया जा सकता है, आदिवासियों का विकास किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि विष्णुदेव साय सरकार ने नियत नीलानार एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसके तहत बस्तर में तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंचानी है, तो इसको, इस पर काम तेजी से दौड़ रहा है, उसी को लेकर ये समीक्षा बैठक है। दोपहर 1 बजे तक समीक्षा बैठक चलेगी, लंबी चर्चा होगी, अभी बैठक शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश, आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो बैठक चल रही है और ये दो सेशन में बैठक बुलाई गई है। आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जाने वाले हैं, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। सीएम संभावित नामों की लिस्ट लेकर दिल्ली जाएंगे, जहां नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। और एक बार फिर से रुख करेंगे आकाश की तरफ। आकाश, आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है, क्योंकि आज दिल्ली का दौरा है सीएम का। देखिए, दिल्ली का दौरा है सीएम का और 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जा रहे हैं। यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, संगठन के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले जो है संगठन महामंत्री और संगठन के जो अन्य लोग हैं वो दिल्ली पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली गए थे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, चर्चा हुई थी कि किस तरीके से योजनाओं को पर विष्णुदेव साय सरकार काम कर रही है, विस्तार से जानकारी दी थी। इसके बाद आज जो जा रहे हैं उस पर चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात होगी। हालांकि जो अभी दोपहर की फ्लाइट से सीएम जा रहे थे वो फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, तो शेड्यूल अभी सीएम का आया नहीं है कि सीएम कब रवाना होंगे, लेकिन संभवतः शाम की फ्लाइट से, विस्तारा की फ्लाइट से सीएम विष्णुदेव साय जो है वो दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका आकाश जानकारी के लिए। तो अब दिल्ली रवाना होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और आगे बढ़ेंगे, जहां रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस करेगी हार की समीक्षा। वीरप्पा मोइली, हरीश चौधरी करेंगे समीक्षा। हरीश चौधरी पहुंचे रायपुर, आज रायपुर पहुंचेंगे वीरप्पा मोइली, कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हैं दोनों। दोनों नेता हार की समीक्षा करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर कांग्रेस करेगी हार की समीक्षा। वीरप्पा मोइली, हरीश चौधरी समीक्षा करेंगे। हरीश चौधरी पहुंचे हैं रायपुर, जहां आज रायपुर पहुंचेंगे वीरप्पा मोइली, कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हैं दोनों। दोनों नेता हार की समीक्षा करेंगे।
और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता ममता जुड़ गई हैं। ममता, आज कांग्रेस हार की समीक्षा करेगी और प्रमुख इसमें जो लोग हैं वो शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए और लोकसभा में जो करारी हार हुई उसके बाद लगातार एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ा जा रहा था, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक्चुअल कारण क्या है इसको लेकर खासतौर पर बात करें तो ऊपरी तौर पर जरूर बात हो रही थी लेकिन कोई बैठक नहीं हो रही थी और इसको लेकर ये भी सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस जो है क्या बैठकों से भाग रही है, क्या बैठकों के दौरान सिरफुटोवल की स्थिति हो सकती है। लेकिन आखिरकार AICC ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई और इसमें वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी को जिम्मेदारी दी है। हरीश चौधरी कल शाम रात को पहुंचे हैं और वीरप्पा मोइली अभी 11:55 की फ्लाइट से आएंगे, इसके बाद में राजीव भवन में बैठेंगे और यहाँ पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनसे चर्चा करेंगे, कुछ प्रत्याशियों से चर्चा करेंगे और उसके बाद अगर हम बात करें तो अगले 4 दिनों तक के ये कहा जा रहा है कि संभागवार जो है वो बैठकों का दौर चलेगा। आज रायपुर में बैठक होगी और उसके बाद में बिलासपुर, कांकेर और अलग अलग जगहों पर सरगुजा संभाग जो है इस तरह से अलग अलग जगहों पर जो है वो बैठकें होंगी और बैठकों में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि हार जो है वो इतनी करारी हार क्यों हुई। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद में समीक्षा बैठक होनी थी लेकिन वो बैठक जो है केवल ऊपरी तौर पे की गई थी क्योंकि उस समय एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने से ज़्यादा बेहतर जो है पार्टी ने सोचा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो इतने ख़राब आए कि पिछली बार कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, वो उसमें से 1 सीट भी कांग्रेस ने खो दी। तो जाहिर तौर पर अब जो है वो बैठक होगी और इसके साथ ही अगर बात करें तो इस बैठक के साथ ये भी कहा जा रहा है कि PCC में आमूलचूल परिवर्तन होगा, यानी पूरी तरीके से परिवर्तन होगा। प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। प्रदेश प्रभारी अगर हम बात करें तो सचिन पायलट जो है यहाँ पर जो आते हैं वो एक सेलिब्रिटी की तरह ही आते हैं, बहुत कम उनका आना हुआ है जब से वो बने हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें लगता है कि छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य है जिस तरीके से उनका कद है। तो अब देखना यह है कि क्या सचिन पायलट जो है वो इंटरेस्टेड रहेंगे आगे या फिर उनके बदले अगर किसी को जिम्मेदारी दी जाती तो किसको जिम्मेदारी दी जाती है। महिला कांग्रेस से लेकर अलग अलग अगर हम बात करें तो संगठन पद के पदों को लेकर भी बात होगी। इसके साथ ही कई प्रत्याशी जो है वो खार खाए हुए बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि जहां उनको साथ देना था वहां पर साथ नहीं मिला और सब अपनी अपनी जो है लगाने एक तरह से कहें कि अपनी अपनी मनमानी करने में लगे रहे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं की नाराज़गी अलग है, कार्यकर्ता अभी कई जगह पर बाहर निकले नहीं है, देर से निकले। साथ ही देश भर में जो माहौल बना हुआ था उसको भांपने में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने भी एक तरह से देरी की। तीसरे चरण में एक तरह से कहें कि जो कांग्रेस है वो जागी और यही वजह है कि कई जगह जो हार हुई है, जिस मार्जिन से हार हुई है ये माना जा रहा है कि उस मार्जिन को कवर किया जा सकता था लेकिन उस तरीके से जागा नहीं गया। बस्तर की अगर हम बात करें तो बस्तर को लेकर 2 तरह की बातें की कही जा रही हैं। कवासी लखमा जो है क्या गुटबाजी के शिकार हुए या फिर देर से जो है प्रत्याशी घोषित हुए या जिस टाइम पे प्रत्याशी घोषित हुए तो उनको उस तरीके से जो है सपोर्ट नहीं मिला या उस तरीके से पार्टी ये भाप नहीं पाई कि बस्तर जो है कुछ कवर किया जा सकता है। इसके बिल्कुल, और ये तमाम जो आधार हैं, तमाम जो फैक्ट्स हैं निकल कर आ रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, सारंगढ़ से बड़ी खबर है जहां 25 लाख रुपए का गांजा पकड़ा गया है। 250 किलो गांजे के साथ ही एक आरोपी को भी अरेस्ट किया गया है। गांजे को लेकर सरिया थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। सब्जी की आड़ में गाड़ी से गांजे की सप्लाई की जा रही थी, घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी को गांजे के साथ दबोच लिया है और 25 लाख का ये गांजा बताया जा रहा है। तो खबर सारंगढ़ से, जहां 25 लाख रुपए का गांजा पकड़ा गया है। 250 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। गांजे को लेकर सरिया थाना पुलिस की कार्रवाई। सब्जी की आड़ में गांजे की तस्करी हो रही थी, घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी को गांजे के साथ दबोच लिया है और ये देखिए इसी ट्रक के माध्यम से सब्जी की आड़ में गांजे की तस्करी हो रही थी और अब एक तस्कर के साथ ही ट्रक और गांजा जब्त कर लिया गया है। घेराबंदी करके पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबर सारंगढ़ से आपको दे रहे हैं जहां 250 किलो गांजा पकड़ा गया है, एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। संवाददाता योगेश जुड़ गया। योगेश, किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में सरिया थाने की जो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें
250 किलो गाय की जब्ती हुई है। गांजे की भरी भंडारों जो मूल्य है वो लगभग 25 लाख रुपए। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि लगातार पुलिस को मुखबिरी के माध्यम से सूचना मिल रही थी कि गांजे की अवैध तस्करी हो रही है। इसी दरमियान आज पुलिस जो सरिया थाने के पुलिस है उनके द्वारा माजदा गाड़ी में जहाँ पत्ता गोभी सब्जी है उसी बोरी के नीचे गांजे की जो बोरी है उसको रख दिया गया था। हालांकि किसी को ये जानकारी ना मिले कि अवैध रूप से गांजे को ले जाया जा रहा है, लेकिन पुलिस को मुखबिरी के माध्यम से सूचना मिली, जिसके बाद उसने जब सब्जी वाले वाहन माजदा को रुकवाया तो पता चला कि उसके अंदर लगभग 250 किलो के जो गांजे हैं वो पूरी वहां पर मौजूद थी और इसका जो पूरा मूल्य है 25 लाख रुपए है। हालांकि पुलिस ने आरोपी एक आरोपी को गिरफ्तार हुआ जो भागने के फिराक में थे, घेराबंदी करके पकड़ा गया। इसलिए आरोपी वहां से भाग नहीं पाए और विवेचना कर उससे पूछताछ जारी है, क्योंकि और कई गाड़ियों में और कई वाहनों में ऐसी सब्जी की आड़ में कहीं ना कहीं गांजे की तस्करी नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो पुलिस इस आरोपियों को और पकड़ पाएगी, इसलिए आरोपी से अभी पुलिस पूछताछ कर विवेचना में जारी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए योगेश। तो इस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश के आसार बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का और इंतजार है, जहां बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात से प्रदेश में करीब हर जगह बारिश हो रही है, लेकिन भारी बारिश के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जो जोरदार झमझम बारिश होती है वो फिलहाल अभी तक नहीं हो पाई है। कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश के आसार बने हैं और पिछले 24 घंटे में हुई 20 मिलीमीटर बारिश, 1 जून से अब तक 119 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जगदलपुर में बारिश से निगम की पोल खुलती हुई नजर आई है। नाली का कचरा सड़कों पर फैल गया, सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। धर्मपुरा इलाके के कई हिस्सों में पानी भर गया है। आप ये देखिए कि नाले चौक पड़े रहते हैं, नालियों की सफाई नहीं हो पाती है और देखा यह जाता है कि नालियां ढकी ना होने की वजह से जो आम जनता है वो भी काफ़ी लापरवाही करती है, क्योंकि सारा कचरा नालियों में ढकेल दिया जाता है और अब जब नालियां चौक हो जाती हैं तो भारी बारिश के दौरान वो गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है और ख़ासतौर पर जो घनी बस्तियां हैं, घनी कॉलोनियां हैं, वहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। यहां तक कि जो VIP एरिए हैं वहां पर भी ऐसे हालात बन जाते हैं जब गंदा पानी लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है और लोगों के घरों तक पहुँचता है। तो जगदलपुर की तस्वीर आप देख लीजिए, धर्मपुरा इलाके का पूरा घटनाक्रम है जहाँ पर लोगों के घरों में गंदा पानी भरने लगा और धर्मपुरा इलाके कई हिस्सों में जल भराव जैसी समस्या पैदा हो गई। जल भराव एक अलग चीज़ है, लेकिन गंदा पानी घरों में घुसना ये काफ़ी परेशान करने वाला है और लोग काफ़ी परेशान होते हैं। हालांकि शिकायत कई बार की गई है, लेकिन उसके बावजूद समय पर कभी भी सफाई ना हो पाने के चलते ऐसे हालात बन रहे हैं जो कि आप TV स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो जगदलपुर की तस्वीरें हैं जहां पर एक तरफ अभी हल्की ही बारिश हुई है, जोरदार बारिश का भी इंतजार ही किया जा रहा है और उसके बाद पहले से ही ऐसे हालात बन गए हैं। मानिए कि अगर अभी और बारिश होती है तो उसके बाद कैसी स्थितियां बनेंगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गया। आकाश, बहुत दावे किए जाते हैं निगम प्रशासन की तरफ से कि साफ सफाई की व्यवस्था पूरी चुस्त दुरुस्त है, जहां तक कि बारिश के पहले पूरे इंतजाम करने के दावे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बारिश से पहले नगर निगम तमाम जो तैयारियों के दावे करता आया है, लेकिन बारिश जैसे ही होती है उसके बाद उनके पूरे तमाम दावों के पोल खुल जाते हैं। जगह जगह भराव की स्थिति होती है, नालियां जाम हो जाती है और कचरे जो हैं वो सड़कों पर दिखाई देते हैं। हाल ही में जो बैठक हुई थी नगर निगम में, उसमें इस मुद्दों पर चर्चा हुई कि किस तरीके से व्यवस्था दुरुस्त करनी है। पार्षदों ने भी लगातार प्रदर्शन किया था, महापौर पे दबाव बनाया था। भाजपा पार्षदों का कहना था कि व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पा रही है शहर में, इसके लिए महापौर एजाज ढेबर जिम्मेदार हैं, इसको लेकर ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन भी किया था। वहीं महापौर अपने पार्षदों के को लेकर वो मंत्री से मिले थे, नगरीय निकाय मंत्री थे, और शासन पर उन्होंने ये आरोप लगाया था कि सही तरीके से बजट उन्हें नहीं मिल पा रहा इसलिए प्रभावित है। इस तरीके से खींचतान की स्थिति नगर निगम में देखी जाती रही और उसका सीधा असर जो है वो लोगों पर दिखा, शहरों पर दिखा कि व्यवस्था सही तरीके से बेहतर करने में नगर निगम प्रशासन नाकाम नजर आई। जी शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से निगम प्रशासन भी नाकाम साबित हुआ है, सफाई व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पाई है।
बिलासपुर स्मार्ट सिटी ने अपनी उपलब्धियों में एक और सितारा जुड़ते हुए डेटा तकनीक और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बेहतर उपयोग करने के मामले में देश भर के टॉप 5 शहर में स्थान बनाते हुए 5वां रैंक हासिल किया है। टीम मैनेजमेंट और अंतर विभागीय समन्वय में 95% अंकों के साथ पूरे देश में अव्वल नंबर पर बिलासपुर है। रायपुर 85% अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। बिलासपुर शहर के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है कि देश के 100 स्मार्ट सिटी में अलग अलग सेक्टर में पहले और 5वें स्थान पर बिलासपुर है। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, एक और बड़ा कीर्तिमान बिलासपुर के नाम। निश्चित रूप से दिल्ली में जो IMF के 2.0 यानी ICCC मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क का एक आयोजन हुआ था, उसमें बिलासपुर को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। 95% अंकों के साथ वो पूरे देश में अंतर विभागीय समन्वय बैठाने में नंबर वन रहा है। इसके साथ ही जो इंटीग्रेटेड कॉमन एंड सेंटर यहाँ पर संचालित किया जा रहा है यातायात को व्यवस्थित करने के लिए, उसमें उसे 5वां स्थान मिला है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है बिलासपुर के नाम, जो दिल्ली में एक प्रकार से कहा जाए तो डंका बजा है बिलासपुर शहर का। और लगातार इसको लेकर नगर निगम के अलावा जो स्मार्ट सिटी है वो बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है। यातायात के विभाग के जरिए जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम के जरिए जो यहाँ पर 508 कैमरे CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके घर ऑनलाइन चालान पेश किया जाता है। इसके साथ ही जो अपराधों में भी ये जो कैमरे हैं CCTV कैमरे वो काफी कारगर सिद्ध हो रहे हैं। यही वजह है कि बिलासपुर को एक 5वां नंबर का स्थान वहां पर दिल्ली में मिला है। इसके साथ ही अंतर विभागीय समन्वय बैठाने में 95% जो है का अंक जो है वो बिलासपुर को मिला है देश में। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए उमेश। तो इस तरीके से देखिए 5वां स्थान बिलासपुर ने हासिल किया है और एक बड़ी उपलब्धि बिलासपुर के नाम दर्ज हो चुकी है। और अब दुर्ग से खबर है, जहां भिलाई गोलीकांड में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपी आदतन अपराधी बताए गए हैं। 2 अन्य फरार बदमाशों की तलाश जारी है। भिलाई के ग्लोब चौक पर चलाई थी गोली, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोलियां चलाई थी। बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां भिलाई गोलीकांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर में स्कूल से नदारद शिक्षकों पर एक्शन लिया गया। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही शिक्षकों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। दूसरे दिन भी स्कूल से 40 शिक्षक नदारद मिले हैं। स्कूल से नदारद रहने वाले शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटा गया और अब तक कुल 85 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। 215 शिक्षक अवकाश पर गए हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश पर कार्रवाई की और निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए थे शिक्षक, जिनके ऊपर एक्शन लिया गया है। और अब बात करेंगे सूरजपुर से बड़ी खबर की, जहां मवेशी तस्करों को लोगों ने पकड़ लिया। अवैध तरीके से मवेशी ले जा रहे तस्करों को पकड़ा गया है। स्थानीय लोगों ने 15 मवेशियों को आजाद कराया है। पुलिस के पहुंचने से पहले मवेशी तस्कर फरार हो गए। पंचायत के गौशाला भेजे गए छुड़ाए गए मवेशी, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नवापारा का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूरजपुर से, जहां मवेशी तस्करों को लोगों ने पकड़ लिया। राजनांदगांव से खबर है, जहां कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मारी गई। बाल बाल बची बाइक सवार युवक की जान। डोंगरगढ़ में गैस एजेंसी तिहारा पर यह हादसा हुआ है। मौके पर लगे CCTV में कैद हुआ हादसा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजनांदगांव से, जहां पर कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मारी गई है। और कांकेर से एक खबर है, जहां पर बाल बाल बची युवक की जान। ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार। बाइक सवार से के ऊपर से गुजरा पूरा ट्रक। बाल बाल बाइक सवार युवक की जान बच गई। हादसे में युवक को मामूली चोट आई। भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। और ये देखिए, जहां बाइक सवार के ऊपर से पूरा ट्रक गुजर गया, गनीमत रही कि उसकी जान बच गई, वरना ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। और जरा सी चूक होती, जरा सा भी अगर जो युवक है वो अगर ट्रक के चपेट में आ जाता, चक्कों के नीचे आ जाता, तो उसकी जान जा सकती थी। अब तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। खबर कोरबा से, जहां मकान मालिक किराएदार भिड़ गए। पेचकस लेकर मारने के लिए दौड़ी महिला। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पीड़ित की शिकायत पर महिला गिरफ्तार कर ली गई है। CRCB चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। और मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद हो गया था
और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि महिला गुस्से में पेचकस लेकर मारने के लिए दौड़ पड़ी और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। खबर कोरबा से है। तो वही दुर्ग में जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। युवक पर चाकू से हमला किया गया था, जानलेवा हमला किया गया था। राजनांदगांव जीआरपी ने आरोपियों को पकड़ लिया। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड का ये पूरा मामला है। आपसी रंजिश में आरोपियों ने हमला किया था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था। राजनांदगांव में जीआरपी ने आरोपियों को पकड़ लिया। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड का पूरा मामला है। आपसी रंजिश में आरोपियों ने हमला किया था। खबर कोरिया से, जहां जिला अस्पताल अधीक्षक निलंबित किए गए हैं। ऑपरेशन के लिए मरीज से मांगे थे पैसे। डॉक्टर राजेंद्र बंसरिया पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। पैसे मांगने वाले राजेंद्र बंसरिया निलंबित कर दिए गए हैं। बैकुंठपुर जिला अस्पताल अधीक्षक से अधीक्षक थे बंसरिया। मरीज की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। और चलिए अब देखेंगे।